अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरएलजी गाइडर्स। मैं हूं आपकी टीचर माहीन मदत अली और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हमें वीडियो को इंपोर्ट करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि आने वाली क्लासेस में मैं आपको टाइम कोड बताऊँगी कि टाइम कोड होता क्या है। हम लोग ने हमेशा से टाइम कोड का एक ये पैटर्न देखा है, आवर्स, मिनट एंड सेकंड्स। अब प्रीमियर के अंदर एक और कैटेगरी ऐड होती है जिसको हम बोलते हैं FPS, फ्रेम्स पर सेकंड्स। अब फ्रेम्स पर सेकंड्स होता क्या है? ये होती है एक सीक्वेंस वीडियो की जो आपकी चल रही होती है, उसके अंदर आपका कैमरा, मोबाइल कैमरा, DSLR, एक सेकेंड में आपकी कितनी इमेजेस कंटिन्यू क्लिक कर रहा होता है। टोटली 1 सेकेंड्स में प्रीमियर के अंदर आप 60 FPS शूट करवा सकते हो। आपके कैमरे के अंदर भी ये सेटिंग होती है, चाहे वो DSLR हो या आपका नॉर्मल मोबाइल कैमरा हो। तो इसके अंदर आती है हमारे पास 2 कैटेगरीज, एक PAL और एक आता है NTSC। अब PAL के अंदर आप 25 FPS पिक्चर एक सेकेंड में ले सकते हो। ये जो स्टेट में चलता है, दैट इज़ पाकिस्तान में चल जाता है, ये इंडिया में चलता है और यूरोप और दूसरी भी कंट्रीज़ में ये स्टेट का चलता है। अब NTSC की बात करते हैं तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट में चलता है, जिसके अंदर आप 30 FPS शूट कर सकते हो एक सेकंड के अंदर, मतलब आप 30 पिक्चर कंटिन्यू ले सकते हैं, या 29.97 कुछ, मतलब दोनों सेम ही होते हैं। तो ये सेटिंग आपके कैमरे के अंदर भी होती है, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी होती है, और जब आप एडिट कर रहे होते हैं तो वो भी आ रहा होता है। तो ये 2 ग्लोबल स्टेट्स होते हैं। अब जैसे आप पुरानी फिल्म्स और देखते हैं, ब्रॉडकास्ट देखते हैं, तो उसके अंदर भी अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। लाइक PAL का जो स्टैंडर्ड था वो था 720x576 पिक्सल्स, और NTSC का था 720x480 पिक्सल्स। और अब जो हम HD देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उसके अंदर YouTube कैमरा और सब में भी सेटिंग्स में आता है, लाइक 1080 आता है, 720 आता है, बहुत अलग अलग आते रहते हैं। लेकिन अभी जो हम नॉर्मल HD हम यूज़ करते हैं वो होता है 1080x720, और बहुत अलग अलग भी होते हैं। एक होता है 1280x720 होता है, और हमारे पास जो फुल HD आती है वो आती है 1920x1080, जिसके अंदर हम शूट करते हैं वो फुल HD होती है हमारी, जो हम प्रीमियर के अंदर भी सेट करते हैं। अब हमें जो है वो गुड रेजोल्यूशन की वीडियोस चाहिए होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने नॉर्मल कैमरे से, जो मोबाइल कैमरा होता है उससे शूट करेंगे, उससे वीडियो को कैप्चर करके अच्छे रेजोल्यूशन पे लाएंगे, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट हाँ, हम उस पर थोड़ा वर्क करके उसको बेटर ज़रूर बना सकते हैं, बट ऐसा कि हाई क्वालिटी वाली वीडियो तो हम नहीं देख सकते जो हम मोबाइल से कैप्चर करते हैं। तो अगर आप प्रीमियर के अंदर आपको ऐसा सैम्पल वीडियोस चाहिए, तो मेरी आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको उसकी लिंक बताऊंगी कि आप कहाँ गूगल पे जाके कौन सी वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं जो फुल HD वीडियोस होती है। तो बस यही बात होती है कि आपकी रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन अच्छा होना चाहिए। तो आज की हमारी क्लास इधर तक ही थी। बताने का मकसद ये था कि थोड़ा आइडिया मिल जाए कैसे रेजोल्यूशन पे आपकी वीडियो होनी चाहिए, कितना HD होना चाहिए आपके पास, कितने फ्रेम्स पर सेकंड्स का आपको टाइम कोड बताने का मकसद था। तो बस आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और मुझसे कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि हमें प्रीमियर की लिंक शेयर करें, तो आज के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रीमियर की लिंक डाल दूँगी, उसकी वेबसाइट डाल दूँगी, आप जाएँ वहाँ से डाउनलोड करना है, जिन जिन को वो डाउनलोड कर सकता है। मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊँगी जिसके अंदर आप हाई रेजोल्यूशन वाली वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप प्रीमियर के अंदर एडिटिंग कर सके, सैम्पल वीडियोज़ हो, आपका हाथ बैठ जाए प्रीमियर के अंदर, ईजी हो जाए आपके लिए। अगर आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है, DSLR नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।